हे हाय फ्रेंड, यार है मेरा ये यूट्यूब चैनल नया है, तो इस चैनल में मैंने फिर से स्टार्ट करा। जैसे मैं आपको पूरी हिस्ट्री बता देता हूँ, मैं थंबनेल देख लो, आपको पता ही चल गया होगा यूट्यूब में ब्लॉग चैनल कैसे बनाए। इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ, और अगर आप कोई भी चैनल नया स्टार्ट करने वाले हैं तो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको कोई उनसी गलती नहीं करनी है जो मैंने गलती कर चुका हूँ। तो मैंने दूसरा चैनल बनाया, इससे पहले मेरा चैनल फिल्मीटेक नाम के चैनल है, उसमें मेरे कम से कम 7,500 सब्सक्राइबर थे। उसमें हर चीज़ मतलब पूरा हो गया, सब्सक्राइबर सब। उसमें कंप्यूटर स्ट्राइक वजह आने की वजह से मैंने वो चैनल बनाना भी बंद कर दिया। जब मैंने इस साल इस चैनल में वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिक उसमें व्यूज कम आना हो गए। तो मैंने ऐसी क्या गलतियाँ करी थी जिस वजह से मेरा चैनल वो दोबारा ग्रो नहीं कर पाया और मेरे चैनल वो अनएक्टिव हो गए। इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट ये बताने वाला हूँ। तो यार दोस्तों, मैंने क्या करा था, मैंने इस चैनल में पहले तो मैंने वीडियो अपलोड करी थी, कॉपीराइट थोड़ा कॉन्टेंट था, तब मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। वीडियो तुरंत ही वायरल हो गया, वायरल होने के बाद सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज, बहुत ज़्यादा बढ़ी है, वॉच टाइम भी आ गए थे। लेकिन ऐसा ही 6 महीने बाद ऐसा हुआ कि उसमें स्ट्राइक आ गई, कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, तो इस वजह से मेरा चैनल पूरी तरह से रिमूव हो गया। जब रिमूव हो गया तो मेरा दिल टूट गया, मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का। फिर मैंने फिर से वीडियो बनाया तो उसमें व्यू बहुत कम आने लगे। तो उस समय क्या था, मेरा कॉन्टेस्ट कोई मतलब कॉन्टेंट बोले था कि मतलब मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने उल्ट पुलान चीज़ें डालना अपलोड कर दिया, यानी कि मैंने कभी टेक के विषय में डालना, कभी फिल्म के विषय में डालना, या कोई एप्लीकेशन के विषय में डालना स्टार्ट कर दिया। लेकिन दरअसल बात ये होती कि अगर आप एक चैनल यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें एक ही मटेरियल यानी एक ही कॉन्टेंट होना ज़रूरी होता है। तो मैंने उसमें बहुत सारे कंटेंट मिक्स करना जानना स्टार्ट किया, ये मेरी पहली गलती थी। दूसरी गलती ये थी कि मैंने गैप ले लिया 1 साल का, ये मेरी गलती थी। तो दोस्तों, मैंने अब टेक का चैनल मैंने बनाया, इसी में मैं टेकी के वीडियो तरह डालूंगी, यूट्यूब के लिए लेटेस्ट सारी वीडियो डालूंगी। अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपको सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे ख्याल से ब्लॉग होगा। अगर आप ब्लॉग बनाएंगे तो ब्लॉग में आपका चैनल बहुत ही जल्दी ग्लो होगा। कहीं भी आप जाएं, ब्लॉग में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ना आपको ज़्यादा कुछ बताना होगा। तो ब्लॉग चैनल है मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा। ब्लॉग चैनल के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको एक कैमरा लेना होगा, बस कुछ भी नहीं। आपको क्या करना, कुछ इस तरह जो भी होगा लोकेशन फ्लैश आप शूट कर लेना, आपको फेस दिखाना फेस दिखा सकते हैं। अगर आपको वगैरह फेस आपको नहीं दिखाना तो उस लोकेशन में शूट कर लीजिए, आपको बैकग्राउंड में उसमें आवाज़ दे सकते हैं, उस आवाज़ दे सकते हैं कि इस लोकेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं विशेष बातें। इन सबको बनाने के बाद थंबनेल बना लीजिए, थंबनेल में अपना फेस जरूर लगाइए, उसको अपलोड कर दीजिए सही समय पर। उसके लिए अगर आप चैनल को स्टार्ट करते, कोई ऐसा समय नहीं कि आप चैनल अपलोड करें उसी समय। जब आप शुरुआती दौर में वीडियो जब अपलोड करेंगे तो आप कभी भी अपनी वीडियो अपलोड कर सकते, हाँ लेकिन दिन में अपलोड करिए, क्योंकि जो मतलब यूट्यूब के जो भी सब्सक्राइबर ये जो भी होंगे, जो यूट्यूब के जो भी यूज़र होंगे वो एक्टिव रहते दिन में, रात में नहीं। तो आप दिन ही में अपलोड करें ज़्यादा सही। धीरे धीरे आप इसी तरह ब्लॉग डालते रहें तो आपको धीरे धीरे इंक्रीज हो जाए। अगर आप टेक के विषय में बताना चाहते हैं तो मैं आपको इस नई वीडियो में आपको बताऊंगा टेक के विषय में आप कैसे बना दोस्तों। तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सपोर्ट करें। मेरा पिछला चैनल है फिल्मी टेक, जो कि चैनल पूरी तरह से एनएक्टिव सब्सक्राइबर है, तो मैंने नया चैनल बनाया, तो इस चैनल को जरूर जरूर शेयर करें। मैं ऐसी ऐसी पूरा अपना एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूँगा यूट्यूब में, पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ पूरा साझा करूँगा। इस चैनल का नाम है YTPSD टेक के नाम पर मैंने चैनल बनाया है, तो इस चैनल को पूरा आपको सपोर्ट करना है दोस्तों, प्लीज़ सपोर्ट करें इस चैनल को, ठीक है दोस्तों। फिर मैं ऐसी रिलेटेड में वीडियो लाऊंगा यूट्यूब के लिए, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही था वीडियो में, अगर आपको वीडियो में कुछ भी जानकारी मिली तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। बाय दोस्तों।